चलें जी, अब आए हैं हम काशी फिर और नहीं यूसुफ क्लॉथ हाउस पे, और यहाँ से लेने हमने कपड़े किसी को देने के लिए भी और अपने घर के लिए भी। तो चलते हैं और देखते हैं कि पसंद आते हैं तो लेंगे, नहीं तो बस फिर। पसंद आया कोई? ये बता, मैं उस टाइम पूछ रही थी। ऐसा करें कोई और दिखाएं, वो दिखाएं जिंक कलर पड़ा है, सी ग्रीन सा कलर है। तो मुझे ये पसंद है, सी ग्रीन का। नहीं नहीं नहीं, हमें लॉन दुपट्टा ही, लॉन दुपट्टा चाहिए। आइस ब्लू कलर है ये, हाँ ये वाला कलर, ये और ये वाला स्काई कलर दिखाएं। हाँ जी, ये भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वाला खोल के दिखा, ये वाला भी अच्छा लग रहा है। हाँ, ये वाला हाँ नहीं है ऐसा मैंने पहना था, बहुत प्यारा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। हाँ ये प्यारा लग रहा है, दुपट्टा भी सही है। एक ना करो, दो ना करो, ये वाला कर लो, ये ठीक है। चलो ठीक है, इसको फाइनल कर लें, एक ये वाला कर लें भाई। ये कौन सी ब्रांड का है? जे डॉट का है। असली जे डॉट है, अच्छा असली है। चलो ठीक है, ओरिजिनल कीमत 3,500-4,000 की रेंज में है। प्रिंट अच्छा लग रहा है, ये कमीज है। हाँ हाँ जी, ये बैक है, अच्छा ये पैंट है, ये क्या बना रहा है? ये पूरा फुल आप बनाओ, बटन लगा दो सिर्फ। नहीं ये जेब कम होगा ना, ये हाँ। ये सेट नहीं होगा भाई, ये दिखाएं। अच्छा ये दिखाएं, ये कलर कितना प्यारा लग रहा है, पर्पल पर्पल इसके साथ की शलवार कैसी है? चलें जी, हमारा जो आखिरी काम था वो भी हो गया। चलो तो अभी चलते हैं घर, लेकिन घर जाने से पहले ना कुछ ठंडा जूस वूस पीते हैं, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगी है, और अमीन को भी। तो जी मेरे पास आई थी आज एक सुपर स्पेशल क्लाइंट, जिसका मैंने करना था वैक्स। दिखाओ अब कातिल हसीना अपने हाथ, ये देखें कातिल हसीना की वैक्स हो चुकी है। अभी हम इनको छोड़ने जा रहे हैं इनके घर पे। ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जिनका काम भी करो और उनको घर पे भी छोड़ के आओ। देखिए दर्जी बेचारे अभी तक भी जाग रहे हैं, मुझे देख रहे हैं कि ये कर क्या रही हैं। मैंने कहा दर्जियों की भी वीडियो बनाए, बेचारों की ईद पे ही तो काम शुरू होते हैं। वो एक आजकल मीम्स चल रहे हैं ना, आप कहेंगे हम अपनी मर्जी क्योंकि हम हैं दर्जी, तो अब दर्जियों के काम चल रहे हैं। देखिए ये वाला दर्जी भी बैठा हुआ है अपनी बुटीक ओपन करके, हम आज रात जो है ना सारे दर्जियों पर छापा मारेंगे। चारामीन तुम्हारी ज़िंदगी संवर गई, बताओ जिंदगी सवर गई। ये पता नहीं कैसी लड़कियां हैं, थोड़ी सी वैक्स करा के इनकी ज़िंदगी सवर गई है और हमारी ज़िंदगी आज तक नहीं सवरी। सही कहते हैं शादी से पहले ना छोटी छोटी खुशियां होती हैं, छोटी सी खुशी में ही कहती है आज मेरी ज़िंदगी सवर गई। और मैं इतना हंसी उड़ा इसके इस बात पे कि मैंने कहा इस छोटी सी बात पे तुम्हारी ज़िंदगी सवर गई है। चलो भी हमारी भी ज़िंदगी सवर गई है। मैं रात को 1 बजे अंडे मिल गए इस शॉप से, अगर नहीं मिलती, अगर अंडे हमें नहीं मिलते तो पता नहीं हमारी सहरी का क्या होता। तो अभी जो है ना अंडे मिल गए हैं तो हम औरतों की ज़िंदगी भी सवर गई है। अभी पता है इन्होंने मेरे साथ क्या किया, न्यू हमारे स्कूल के सामने स्पीड ब्रेकर लगे और वो एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन लगे हैं। तो वहाँ से जो है ना ये फुल स्पीड में लेके आ रहे हैं, अब एकदम इन्होंने ब्रेक लगाई है। तो कहते हैं अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, नहीं तो तुम आगे रोड पे पड़ी होती। मैंने कहा
रोड पे पड़ी होती तो मेरी ईद भी बेड पे होती। ये जो मैंने अड्डे मड्डे वाले काम के सूट बनवाए हैं ना, ये बस इधर ही पड़े रहते। तो शुक्र है कि बचाव हो गया, नहीं तो आज हमारा इतना बुरा एक्सीडेंट होता ना, अल्लाह माफ़ करे। मैं जब हंसती हूँ ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसे बुरा हो जाता है, तो मुझे नहीं हंसना है, नऊज़ बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे। तो बस आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अच्छी ईद गुजरे हमारी। कौन घर पे? कोई नहीं है, माफ करो, घर पे कोई नहीं है। हाँ। दुआ नहीं आई आज? नहीं आई, तंग करते हैं बहुत। अच्छा, वे हीरो कैसे हो? ठीक हो? ये ले बाजी आपका ईद का सूट। अच्छा, मैं तो ईद देने आई थी। कहाँ है मेरी ईद दिखा? पैसे दे दिया। ये ले, ये आपकी ईद। क्या मतलब रूखी सूखी? मैं बास्केट बनाती हूँ, आप घर पे आ गई, ऐसे ले ले। अब क्या बास्केट बनाऊ मैं? काम देखो, बास्केट बना के दो अब भैया। अब आपको भी बास्केट चाहिए? अब वाह भाई वाह। छोटी बच्ची बन रही है। हाँ, छोटी बच्ची बन रही हो। दिल तो बच्चा है ना, चलो मैं ज्यादा उम्र थी तो दिल तो मेरा भी बच्चा है। सही है, सही है। तो चलें जी, बाजी यहाँ पे जा रही हैं और मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। उड़ा रही हैं कि आपने ऊपर नकाब पहन लिया और नीचे आपका ड्रेस वैसे का वैसे है। मैंने कहा मैं कौन सा गाड़ी से निकलूँगी, मैं तो बस गाड़ी में ही रहूँगी ना, तो वो बस नकाब ही दिखेगा मेरा, नीचे ड्रेस व्रेस नहीं दिखेगा। ये देखिए ऐसे ड्रेस के ऊपर मैंने सिर्फ नकाब लगा लिया है। तो इधर हम आए हैं ड्रेस रिसीव करने, जो मेरी सास ने मेरा ड्रेस बनवाया है। और ये ले जी, ड्रेस भी हमें मिल गया। तो इधर से हम ले रहे हैं फ्रूट, और फ्रूट देखें अभी सीज़न में ही फ्रूट ऐसे पड़े हुए हैं, तो फिर बंदा कहाँ जाए? आज हस्बैंड को हो जाएगा लेट। हाँ ठीक है भाई, तो हस्बैंड ने कहा कि फ्रूट भी आप ही ले लें, तो यहाँ से हम फ्रूट देख रहे हैं। बच्चों छुट्टियां हो गई, खुश हो? अभी 5 दिन नाचोगे गाओगे हैं? 5 दिन जाओ सिमरन, जाओ जी लो अपनी जिंदगी 5 दिन। बाकी पूरा महीना तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। पूरा साल नहीं, ऐसे सोचो कि 11 महीने पूरे आपका टाइम बढ़ गया। अभी जल्दी जाना, देर से आना, वैसे भी सेम टाइम है, थोड़ा फर्क है। इधर से आओ, इधर से। क्यों जा रहे हो भाग के? यूसुफ वाले हैं इसलिए जल्दी है। ये देखो फिर से भाग गया। हुए काम देखो इसके, इसके आज कजन आए हुए हैं ना, इस खुशी में ये कह रहा है आप लोग देर लगा दोगे, ये खुद भाग के जा रहे घर। बेवकूफ है ये लड़का। ये देखे रुक ही नहीं रहा, अभी तक भी स्टील भागते ही जा रहे हैं। इसको आज मैं इसके पापा को इसकी शिकायत लगाऊंगी, ये ठीक तो नहीं है, ये जो ऐसे भाग के जा रहे हैं इधर से, गाड़ी से उतर के भाग गए, ये कोई तरीका है इसका? हालांकि इससे पहले हम पहुंच जाएंगे। तो भाग गया, अभी आपको इधर उतरना है। हाँ। के पास मैं कहती हूँ 7 तारीख के बाद आ जाना। सही है, क्योंकि अभी रश बहुत ज़्यादा है, पहुँच जाएगा मुझे, पहले ही पहुँच। नहीं हम पहुँच गए हैं, चलो चलो चलो। देखो 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 दिखाते हैं जरा, ये कैसे भाग गया है। पीछे रह गया। तो ये देखें जी, मेरा जो ड्रेस है ना वो बन के आ गया है, पूरा इस तरह प्रिंटेड लिया था अम्मी ने, ये मुझे ईद का गिफ्ट दिया है। इस तरह का प्रिंटेड लेके ना, इसके ऊपर हमने ये छोटे छोटे सितारे लगवाए हैं, शीशे लगवाए हैं, और ये जो है ना ये सारा हाथ का काम है, ये हाथ पे लगवाए हैं। और ये जब मैं पहनूंगी तो आप देखिएगा और बताइएगा, कमेंट्स पास कीजिएगा कि ये कैसा है। ये मेरी सास की तरफ से मुझे ईद का गिफ्ट आया है। तो चलें जी, दराज से हमने मंगवाया एक पार्सल और इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग करेंगे अलीजान, देखते हैं कि इसमें क्या है। क्या लगता है आपको? फाड़ दो इस शॉपर को बेटा, फाड़ दो। कोई बात नहीं, कचरा फेंकना है वैसे भी। अच्छा ये वो है जो वो क्या कहते हैं, वो साफ करते हैं जाले साफ। हाँ, डस्टिंग करने के लिए। खोलो इसको,
इसको निकालोगे। तो ये जो है ना मैंने पंखा साफ करने के लिए मंगवाया, इसको जैसे भी फोल्ड करें हो जाएगा। तो ये बहुत जबरदस्त है, सेल्फी स्टिक लग रही है ना, बहुत ज्यादा ऊंचा है, सेल्फी स्टिक से भी ज्यादा ऊंचा है। तो चलें जी, ये मैंने लिया ही इसलिए था कि ये ईद से पहले आ जाए और मैं ये सारे जाले शाले निकाल लूँ, ऊपर से अच्छे से सफाई कर लूँ। तो ये हो गए हैं और यहाँ पे भी सारे सफाई हो गई हमारी। और अभी जो है ना मैं यहाँ से जाले उतारूँगी। उतारेंगे इस साइड के, देखें मिट्टी कैसे उड़ रही है। यहाँ पे ईद से पहले जो है ना हमने पहले भी मतलब करते हैं, लेकिन साथ में रोड है ना, तो ये फिर मिट्टी जल्दी हो जाते हैं और इतना जल्दी मिट्टी भर जाती है ना इनमें। हमारे पास जो पहला जो वो था ना जाले उतारने वाला, वो इसके अंदर नहीं जाता था तो बहुत मसला होता था। अभी शुक्र है अच्छे से साफ हो गया है, बिल्कुल नीट हो गई है। अब इस साइड में करते हैं। चलो जी, ये भी साफ हो गया। अब ये जितने जैसे लाइट वाला बल्ब है ना, इसको साइड से ऐसे साफ करना, ये ना हो के साफ करते करते नीचे ही आ जाए। बस साफ हो गया है। और यहाँ पे जो है ना मैंने इसे पंखे भी साफ कर लिए, देखे ऐसे कर ले। ये देखें ये जो है ना साफ हो गया, इतना इतना ही इससे होते हैं। भाई आज मुझे मिलने वाली है ईदी तगड़ी वाली। ये लो, ये तुम्हारी ईदी मेरी तरफ से। ये देखें, ये क्या, मैंने सोचा था 10,000 तो मिलेगा। बड़ी बहन है, महंगाई देखे, 2,000 का सूट भी नहीं आता है, बच्चों का सूट भी 2,000 का नहीं आता, 1500 वाला सूट लिया दुपट्टे के बगैर। ये अली का सूट तो आता भी 2,000 का है, अली का तो 2,000 दो चीज के जो मेरे पास है। चले नहीं नहीं, बहुत 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 मेहरबानी आपकी, आपने ये जो है ना ईदी दी है, ये मोहब्बत होती है। पिछली बार मैंने आपको 5,000 दिया था याद है? हाँ हाँ, पिछली बार मेरे पास थे, मैंने इसको 5,000 ये आपकी मोहब्बत है। नहीं नहीं, ड्रेस ले लिया अपना जो मैंने आपको दिया? नहीं, क्यों पता नहीं, वो इधर से सिलाई करवाएंगी क्या? दे दो। चले बाजी, ये ले, ये आपकी ईदी है। ठीक है, ठीक है, आपकी बच्चियों के लिए ये सारे हेयर कैच हैं, आपके लिए ड्रेस और मेहंदी और चूड़ियाँ भी बच्चियों के लिए। ठीक है, ये खीर का डब्बा दिया? हाँ, ये खीर का डब्बा है। खीर में चीनी तो दी ही आपने? चीनी आप खुद ले लेना, महंगाई है महंगाई। आपने मुझे 2,000 दिया है, अब मैं भी महंगाई के हिसाब से करूँगी। किस किस को पूरा? मैं आपको बताती हूँ, आप ऐसा करना, एक पाव चावल लेना, उसको ग्राइंड करना, उसको बॉईल करने के बाद ये डाले, ये खीर मिक्स भी वही होते हैं। हाँ ठीक, चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से देना था दे दिया। ये देखे, ये एतकाफ से उठ के जा रहा है यूनुस, इसका एतकाफ खत्म हो गया। जाओ जाओ खैर से घर जाओ और वापस नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़।